इवनिंग एवरीवन। तो बात करते हैं कि आज मार्केट किस तरीके का रहा और मार्केट नेक्स्ट वीक में क्या देखने को मिल सकता है, बिकॉज 2 दिन का हॉलीडे सैटरडे एंड संडे है और उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग डे होगा इस महीने का, जुलाई मंथ का। सो ओवरऑल पिक्चर आज अगेन मार्केट की बेयरिश देखने को मिली, जिस तरीके से हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में बेयरिश एंगल्फिंग का एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव देखा जा सकता है। उसके साथ ही हमने डिस्कस किया था कि FII का जो डाटा है ओवरऑल, वो भी उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की थी कल, करीबन हमने 4,000 करोड़ का डाटा नोटिस किया था। तो ओवरऑल पिक्चर उसी तरीके का देखने को मिला और मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग किया, और गैप डाउन ओपनिंग में हमने बात किया था कि देन निफ्टी कैन बी टेस्ट 19,550, 19,500 एंड अपसाइड 19,650। सो नथिंग इज 100%, बट आई वुड से कि मार्केट ने इसी तरीके से कुछ आज मोमेंटम किया। अगर आप फर्स्ट सेशन में देखेंगे तो मार्केट ने करेक्शन दिखाया और सेकेंड हाफ तक मार्केट जो है 19,550 के आसपास टेस्ट कर गया, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं। और अगेन मार्केट रिकवर हुआ 2:45 बजे के आसपास और मार्केट ने शार्प रिकवरी दिखाई और 19,646 के आसपास स्पॉट हमें क्लोजिंग दिखाता हुआ नज़र आया। खास बात क्या रही मार्केट में, आज के डेटास क्या कहते हैं, लेट्स डिस्कस अपॉन दैट। एक बात फिर से बताना चाहूँगा कि भाप कॉपी अपडेट नहीं हुआ है 28 जुलाई का, तो वहाँ पे हमारा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस आज फिर छूट जाएगा। आई डोंट नो कि ये डिले क्यों हो रहा है डे बाई डे। सो अगेन आप ये डे का कैंडल देख पा रहे हैं अपने, हमने कल बात किया था कि बियरिश एंगल्फिंग दिस वन। सो ये हमने कल डिस्कस किया था कि ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है बियरिश एंगल्फिंग का, राइट। अभी अगर मैं आज की बात करूँ तो अगर आप देखेंगे आज मार्केट ओपन हुआ और डाउन क्लोजिंग दिया है, हालांकि पिछली क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है, बट ओवरऑल पिक्चर क्या कह रही है। देखिए जिस हिसाब से मार्केट में अभी आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाया है अपना, अगेन बियरिश ट्रेंड में, और अगर मैं बात करूं 20 EMA को मार्केट ने टेस्ट किया है, आई शो यू मूविंग एवरेज। अगर हम 20 EMA मूविंग एवरेज चेक करें निफ्टी की, तो आप देखेंगे तो निफ्टी ने इसको टेस्ट कर दिया है आज। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मैं अगर बात करूं 31 मार्च 2023, उसके बाद मार्केट जो चल रहा है 20 EMA को मार्केट ने टेस्ट किया अगेन 18 मई को, और उसके बाद मार्केट ने टेस्ट किया अगेन 23 जून को, और उसके बाद अगर मैं बात करूं, सो मार्केट ने आज उसको अगेन जो है टेस्ट किया है, उसको हल्का सा ब्रेक भी दिखाया, बट वहाँ पे हमें मार्केट ने उस वहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, तो इट इज़ इंडिकेटिंग दैट कि अभी मार्केट में कुछ दम है, राइट। अगर मार्केट मंडे को गैप अप ओपनिंग करता है तो हो सकता है 20 EMA के ऊपर मार्केट फिर से उसको मेंटेन करे और वहाँ से फिर से एक थोड़ा रिकवरी अपसाइड में देखने को मिले। देखिए 20 EMA का सिंपल मतलब ये है कि 20 दिन का मार्केट का एवरेजिंग जो है वो कितना रहा है निफ्टी का, सो उसी का ये लाइन ड्रॉ हुआ है ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है और सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर दिया। इट हेल्प्स अस, कई लोग 50 EMA और कुछ लोग 200 EMA को ट्रैक करते हैं। बेसिकली उसके पीछे पर्पस सिर्फ एक ही होता है, 20 EMA का मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या देख रहे हैं, मार्केट कैसा दिख रहा है, मार्केट कैसा लग रहा है मार्केट, और 50 EMA थोड़ा शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा बढ़ के, राइट, अगर हम मीडियोकर टर्म की बात करें। और अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म पैटर्न की, तो इट्स अबाउट 2 महीना 3 महीना। सो उसके लिए आप 200 डे का मूविंग एवरेज लेके चल सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। सो बट इट इज़ नॉट अबाउट 100%, बट इट इज़ अबाउट कि किसी बेसिकली आप नतीजे पे पहुँचते हैं कि हाँ मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो अभी आगे क्या फॉर्म करने मार्केट क्या फॉर्म कर सकता है। सो इट्स अबाउट कि ट्रेंड जो है वो किस तरफ इंडिकेट हो रहा है। सो डेटाज के साथ हमें यही हेल्प मिलता है कि ट्रेंड किस तरफ इंडिकेट हो रहा है, वॉल्यूम हमें इंडिकेट करते हैं, ओपन इंटरेस्ट हमें इंडिकेट करता है। सो बहुत सारे पैरामीटर्स को मिला के हमें मार्केट का
फॉर्मेशन देखना होता है कि किस फॉर्म में मार्केट जो है बेसिकली फॉर्म कर रहा है। सो ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल बेयरिश राइट अभी एज ऑफ नाउ। अगर मैं लॉन्ग टर्म पैटर्न की बात करूँ तो मार्केट में इस तरह डिपेंड करता है नेक्स्ट मंडे को जो ट्रेडिंग सेशन ओपन होगा कि अगर मार्केट वहाँ पे गैप अप ओपनिंग करता है अच्छा खासा तो देन हो सकता है हमें फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिले जस्ट लाइक दिस। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मार्केट ने इसी तरह का फॉर्मेशन बनाया है, ये अगर आप देखेंगे बिल्कुल सेम एज इट इज़, आई शो यू, इट विल हेल्प यू। बिल्कुल उसी तरह का फॉर्म बिल्डअप हुआ है, यहाँ से मार्केट किस तरीके से ऊपर गया आप देख ही रहे हैं सामने स्क्रीन पे। एंड आई वुड कॉपी दिस एंड मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। सो उसी तरीके का कुछ फॉर्म फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर आप देखें तो नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपनिंग अच्छा खासा और उसके बाद गैप अप ओपनिंग अच्छा खासा और क्लोजिंग भी अच्छा खासा। सो अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल बन रहा है, जो कि मेजर सपोर्ट लेवल देखना बनता है कि मंडे का मार्केट क्या इसी मेजर सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके मार्केट में क्लोजिंग देगा। जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मार्केट जो है लॉन्ग टर्म के अंदर अगर बात करें हम तो वो बुलिश ट्रेंड में ही अभी बना रहेगा। शॉर्ट टर्म पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में अभी इतना बुलिश नहीं है और ना ही ज़्यादा बेयरिश मोड में है, तो कंसोलिडेशन पीरियड में है मार्केट राइट। तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा रहा है अपर लेवल से। सो उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए सेल ऑन हाई एंड बाय ऑन डीप, ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। अगेन आई एम शेयरिंग दैट कि आप सेल ऑन हाई एंड बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं राइट। उसके अलावा अगर हम डेटास की बात करें तो आज के डेटास में अगर आप देखेंगे FII 9267 करोड़ की बाइंग, 10291 करोड़ का सेलिंग, तो नेट सेल जो है 1023 करोड़ का नेट सेल में स्टॉक कैश सेगमेंट में जो है FII के सेलिंग देखने को मिली है। इट इज़ इंडिकेटिंग दैट कि मार्केट जो है अभी थोड़ा बेयरिश मोड में ही दिखाई दे रहा है, अभी मार्केट में बाइंग उस तरीके से नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जस्ट होल्ड ऑन। सो आज की निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कंट्रीब्यूशन जो रहा है मेन स्टॉक जिन्होंने अच्छा पार्टिसिपेशन आज मार्केट में दिखाया है, रिलायंस 44 रुपीज़ अप, बजाज फिनांस 28 रुपीज़ अप, ICICI बैंक, अडानी एंटरप्राइजेज, ITC का बड़ा अच्छा रोल रहा। अगर मैं डाउन की बात करूं तो HDFC बैंक काफ़ी अच्छी गिरावट दिखाई, TCS और बजाज फिनसर्व एंड इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, इन्होंने निराश किया आज। सो नो डाउट रिलायंस का अच्छा खासा वेटेज है मार्केट में इंडेक्स में और HDFC बैंक का भी अच्छा खासा वेटेज है। यही रीज़न है कि इंडेक्स जो है पॉजिटिव जो है जाते जाते नहीं हो पाया, बट पॉइंट इज़ कि रिलायंस ने अच्छा खासा जोर दिखाया मार्केट को पॉजिटिव लाने के लिए। और बाकी अगर बात करूँ बजाज फिनांस और ICICI बैंक के स्टॉक्स ने भी, ITC। सो अगेन बात करते हैं कि मंडे का मार्केट किस तरीके का रह सकता है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि अगर हम वीकली बेसिस पे मार्केट की फॉर्मेशन देखें तो किस तरीके का मार्केट लग रहा है वीकली बेसिस पे, लेट्स सी। अभी एक वीक कंप्लीट हो गया है तो अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है पूरा रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है और ओवरऑल द पिक्चर लुकिंग इज़ कि जिस तरीके से वन वीक का कैंडल फॉर्म हुआ है रेड में, सो ये देखना बनता है कि नेक्स्ट जो कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होगा क्या वो गैप डाउन ओपनिंग के साथ स्टार्ट होगा। इट इज़ मैटर बिकॉज अगर मार्केट ने विद द ट्रेंड जो है गैप डाउन ओपनिंग किया मंडे को, सो डेफिनेटली एक जो है नेगेटिव व्यूज स्टार्ट हो जाएगा, सेलिंग जोन देखने को मिल सकता है मार्केट में, डिमांडिंग जोन थोड़ा सा कम उस लेवल पे देखने को मिलेगा। ओवरऑल
मार्केट जब भी परफॉर्म करता है तो प्रीवियस डेटास के साथ ही मार्केट का ट्रेंड देखने को मिलता है। सो ओवरऑल यही चीज़ लग रही है अभी मार्केट में कि मार्केट जो है अभी ना तो ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में है और ना ही ज़्यादा बेयरिश ट्रेंड में, बट आई वुड से कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है मंडे को तो आपको थोड़ा डाउन लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कितने डाउन लेवल्स देखने को मिल सकते हैं नाउ वी डिस्कस अबाउट इट। 19561 एंड 19388, अगर आप ये कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे तो करीबन जो लेवल्स देखने को मिले हैं उसी पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। सो मंडे वुड बी रिमेनिंग 31 जुलाई, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। यस थैंक गॉड। यस तो हम बात करते हैं कि इफ मार्केट ओपन गैप डाउन, तो हम तीन सिनेरियो लेके चल रहे हैं। मैं हमेशा तीन सिनेरियो पे ही मार्केट को देखता हूँ हमेशा कि मार्केट किस तरीके से ओपनिंग कर रहा है। बिकॉज आई वुड से कि अगर आज हमें मार्केट बेयरिश ट्रेंड में लग रहा है लेकिन मार्केट ज़्यादा ऊपर खुल गया मंडे को, तो वहाँ पे बिल्कुल सेंटीमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो मार्केट की ओपनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है फॉर मी। यस आई डोंट नो आप किस तरीके से देखते हैं मार्केट को, सबका अपना अलग 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 नज़रिया है बाजार को देखने का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो देन इट मे टेस्ट अगेन। अगर आपने जैसा देखा ये 19,646 के आसपास का मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, सो और मार्केट ने 19,560 के आसपास का जो है लो टेस्ट किया है आज। सो अगेन 19,550 19,510 के लेवल्स देखने को मिल सकता है डाउन साइड, एंड अपसाइड अगर मैं बात करूं तो 19,650 अगेन। सो आई वुड से कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है 20-25-30 पॉइंट, तो मार्केट में सेम लेवल्स आज फ्राइडे वाले देखने को मिल सकते हैं कमिंग मंडे को, 19,550-19,650 उसके बीच में मार्केट काम करता हुआ दिखाई देगा। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर 19,640 से नीचे 20-25 पॉइंट मार्केट खुलता है तो आप जो है प्रीवियस डे लो के पास अपना बाइंग बना सकते हैं और वहां से मार्केट आपको 40-50 पॉइंट का रिकवरी दे सकती है। राइट द स्ट्रेटजी इज बाय ऑन डिप। यस सो अगेन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है, गैप अप ओपनिंग डिपेंड करता है कितना करता है। अगर तो मार्केट गैप अप ओपनिंग 70-80 पॉइंट का करता है तो उसके बाद देखना बनता है कि कितनी देर वो उस पर टिकेगा और कितनी देर और हाई पे हाई बनाएगा। अगर मार्केट 70-80 पॉइंट खुलने के बाद सीधा शार्पली डाउन आ गया, जैसा कि हमने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा था कि गैप अप ओपनिंग अच्छा खासा हुआ लेकिन उसके बाद मार्केट करेक्शन दिखाया मार्केट ने। सो अगेन आई वुड से वैसे तो ऐसे चांसेस नहीं लग रहे हैं, मार्केट जो है फ्राइडे के रेंज में ही काम करती हुई नज़र आ रही है, ना तो ज़्यादा बुलिश और ना ज़्यादा बेयरिश नज़र आ रही है। सो लेट्स सी किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है देन इट मे टेस्ट 19,700-19,710 एंड डाउन साइड अगर मैं बात करूं तो 19,600-19,550। राइट अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है देन अगेन निफ्टी सीम्स विद इन द रेंज ऑफ 19,650-19,530। सो ओवरऑल द पिक्चर इज 19,650-19,550 के बीच में मार्केट नज़र आ रहा है। बाकी ज़्यादा कुछ देखने को हो सकता है माइट भी ना देखने को मिले, बिकॉज द थिंग इज कि नो डाउट महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है बट एक वीक की नई शुरुआत भी है।
सो मार्केट मंडे को इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है। मोस्टली मार्केट जो वॉलेटाइलिटी देखने को मिलती है दैट इज़ ऑन फ्राइडे एंड थर्सडे एंड वेडनेसडे। तो ये 3 दिन मोस्टली अपने अपने को ज़्यादा वॉलेटाइलिटी देखने को मिलती है। तो आप मार्केट में मंडे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है या 20-25 पॉइंट डाउन पॉइंट खुलता है तो आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं। प्रीवियस डे हाई लो पे काम कीजिए, आपको वहाँ से मार्केट 40-50 पॉइंट डेफिनेटली देगा। प्रीवियस डे हाई सेल ऑन प्रीवियस डे हाई एंड बाय ऑन प्रीवियस डे लो नियर। सो ज़्यादा प्रॉफिट की वेट मत कीजिए, 40-50 पॉइंट के लिए निफ्टी में काम कीजिए, दैट वुड बी वंडरफुल और आप आराम से निकल जाएंगे उसमें से पोजिशन निकाल के। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग, थैंक यू। और अपने व्यूज़ प्लीज़ प्लीज़ अपने व्यूज़ को जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। थैंक यू सो मच।